नमस्कार मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सायापुर में कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े वकील की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस ने 5 घंटे में हत्या आरोपी को लिया हिरासत में। वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदर्शन में शामिल किसानों को बसों में भरकर ले जाया गया पुलिस लाइन। शाम को सभी किसानों को किया गया रिहा। कल से लगातार हो रही बेमौसम बारिश के आगे बेबस नजर आया किसान। किसान की 6 महीने की मेहनत पर फेरा पानी। किसानों की धान की फसल हुई बर्बाद। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन ने बिलंदपुर सुंदरपुर के ग्राम प्रधान को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। ग्राम प्रधान बसंत सिंह को बनाया गया जिलाध्यक्ष। बसंत सिंह ने कहा, ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा जिम्मेदारी का निर्वहन। और जलालाबाद के चकचंद्र सेन गांव में हुए डबल मर्डर के 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने की गैंगस्टर की कार्रवाई। 12 मई को 2 लोगों की धारदार हथियार से की गई थी हत्या। ग्यारह अक्टूबर को कश्मीर घाटी में दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए बंडा क्षेत्र के अख्तियारपुर धौकल गांव के रहने वाले सैनिक सारज सिंह को आज दशमेश अकेडमी में श्रद्धांजलि दी गई। वह क्षेत्र के दूरिया स्थित दशमेश अकेडमी में आज अकेडमी के बच्चों ने कैंडल जलाकर अमर शहीद सारज सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर बीएस महरोक ने कहा कि हम सारज सिंह की शहादत को कभी भुला नहीं सकते। सारज सिंह जैसे वीरों की वजह से हम लोग हिंदुस्तान में चैन की नींद से सोते हैं। सायापुर में कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में दिन दिहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला जजी कोर्ट परिसर का है। यहाँ न्यायाधीश के कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम में वकील भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। खास बात यह है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त कोर्ट में काम चल रहा था। आपको ये भी बता दें कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर अपर जिला जज न्यायालय है तो वहीं दूसरी मंजिल पर कोर्ट का रिकॉर्ड रूम है। वकील के सबके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। कल से हो रही बेमौसम बरसात के आगे किसान बेबस नजर आ रहा है। तस्वीरें कलान क्षेत्र की हैं। यहां लगातार हो रही बारिश ने किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। लगातार हो रही बारिश से खेत में पड़ी किसान की धान की उपज बर्बाद हो रही है जिसको देख किसान खुद को असहाय महसूस कर रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से भी मांग की है कि बर्बाद हुई फसल का सरकार उनको मुआवजा दे। दिनदिहाड़े कोर्ट परिसर में हुई वकील की हत्या का पुलिस ने 5 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में साथी अधिवक्ता को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक के बीच कई मुकदमे चल रहे थे जिसको लेकर आपस में रंजिश मानते थे। आरोपी वकील का नाम सुरेश चंद्र गुप्ता बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट में हुई वकील की हत्या के मामले में आरोपी वकील का भी बयान सामने आया है। हत्यारोपी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह उनको लगातार मुकदमेबाजी में उलझाकर परेशान कर रहे थे। हत्यारोपी का कहना है कि भूपेंद्र ने करीब उनके खिलाफ 24 मुकदमे कर रखे थे जिसमें वह हारने पर भी उन मुकदमों में रिवीजन डालकर उनको लगातार परेशान कर रहे थे। वहीं हत्यारोपी ने यह भी कहा कि अगर वह भूपेंद्र सिंह को नहीं मारते तो वह खुद सुसाइड कर लेते। ऐसे में उन्होंने भूपेंद्र सिंह को ही मारना बेहतर समझा। 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वारों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे।
और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिविजन डाल देते, ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे आपने उनकी हत्या की, बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने, या तो मैं एक हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने, या इनको मार देता, दो में से एक चीज है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। कोर्ट परिसर में हुई दिन दिहाड़े वकील की हत्या के बाद साथी वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में इस तरह हथियार लेकर किसी की हत्या किया जाना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती है। वकीलों ने यह भी कहा कि जब कोर्ट में वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। आपको बता दें कि यहाँ कचहरी परिसर के सभी गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, यहाँ कड़ी पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। तो ऐसे में अंदर हथियार लेकर जाना और वकील की हत्या किया जाना बड़ा सवाल है। जलालाबाद के चकचंद्रसेन गांव में हुए डबल मर्डर और लूटपाट के मामले में जेल में बंद चार आरोपियों के खिलाफ आज गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि चकचंद्रसेन गांव में 12 मई को दो लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, साथ ही लाखों रुपए की चोरी का भी मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में पुलिस चार आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है, जिनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। शनिवार को राजकीय अवकाश होने के कारण आज तेलहर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने की। इस दौरान करीब 43 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। हालांकि इस दौरान फरियादियों को निराशा ही हाथ लगी, किसी भी फरियादी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। कलान थाना क्षेत्र में बिचौला गांव के पास स्टेट हाईवे किनारे एक बाइक सवार शराबी युवक घायल हालत में पड़ा मिला। हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने घायल युवक के पड़े होने की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। पीआरपी पुलिस ने शराबी घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। शराबी युवक की पहचान बदायूं जिले के ककराला के रहने वाले अयूब अली के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन ने बांडा क्षेत्र के गाँव बिलंदपुर सुंदरपुर के ग्राम प्रधान बसंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधान संगठन ने बसंत सिंह को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। आपको बता दें कि बसंत सिंह बॉलीवुड गायक हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में स्थानीय लोगों की मांग पर प्रधानी का चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वहीं अब उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन ने भी बसंत सिंह को जिला अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बसंत सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मिली बड़ी जिम्मेदारी का वह निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाहन करेंगे। वहीं उन्होंने अपने गांव को लेकर भी कहा कि वह अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और गांव के हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी करवाएंगे। जलालाबाद क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ बीती रात चोरों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की दुकान में नकब लगाकर हजारों की चोरी कर ली। पूरी घटना फरुखाबाद रोड स्थित बिल्डिंग मटेरियल दुकान की है। यहाँ चोर छत के ऊपर से सरिया काटकर दुकान में घुसे और दुकान के कैश काउंटर से रखी हुई नकदी को चुरा ले गए। वहीं अब पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलान पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त नाहर सिंह और वासुदेव कलान थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के रहने वाले हैं। अभियुक्तों के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ आर्मचा के तहत कार्रवाई कर अब जेल भेजने की तैयारी कर रही है। शिक्षा निदेशक के निर्देशों पर 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता अभियान के तहत आज एसपी कॉलेज में भी छात्रों को जागरूक किया गया। इस मौके पर इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने कहा कि गंदगी और जल भराव संचारी रोगों का मुख्य कारण है। मच्छर जनित रोगों में डेंगू बुखार सबसे घातक है, जिसमें लापरवाही बरतने पर घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में छात्रों को जागरूक किया गया कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और जल भराव बिल्कुल ना होने दें।
जलालाबाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और आगामी त्योहारों को लेकर ग्राम प्रहरियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल कमल सिंह ने की। इस दौरान ग्राम प्रहरियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी त्यौहार बारबखात, धनतेरस और दीपावली सहित अन्य त्यौहारों को लेकर क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर नज़र बनाए रखें। साथ ही कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि में शामिल हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के नवागत वित्त और लेखाधिकारी ब्रजेश शुक्ला से मिलने पहुंचा और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद संघ के शिष्टमंडल ने भी अपनी अपेक्षाओं से लेखाधिकारी को परिचित कराया और आश्वस्त किया कि शिक्षक संघ भी सदा विभाग का सकारात्मक सहयोग करता रहेगा। किसान नेता अजीत सिंह की माता का 90 साल की उम्र में आज निधन हो गया। किसान नेता की मां के निधन पर किसानों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें सायहांपुर पुलिस लाइन की हैं। यहां रेल रोको आंदोलन में शामिल किसानों को लाकर बंद किया गया था। यहां किसानों ने पुलिस लाइन में ही श्रद्धांजलि दी। सिंधौली में वर्डेंट ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों को बताया गया कि ऑर्गेनिक खेती से कैसे लागत कम कर आय को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिविर में किसानों को यह भी बताया गया कि प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने में हर आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा और समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से किसानों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में सिंधौली से पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश दीक्षित, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र प्रसाद दीक्षित और एडवोकेट अनुपम शुक्ला सहित बड़ी संख्या में किसानों ने भी हिस्सा लिया। तेलहर के मोहल्ला खलील कटरा स्थित देवस्थान पर नवरात्र के समापन के बाद आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से किया गया। शोभा यात्रा नगर के कई मोहल्लों से भ्रमण करते हुए वापस देवस्थान पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद रही। कलान क्षेत्र के गुन्नौर दाऊदपुर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बसपा के जिला सचिव और विधानसभा प्रभारी अनिरुद्ध यादव ने कबड्डी प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सायहांपुर, गुन्नौर, दाऊदपुर, काबरा और इकरी खेड़ा सहित कई टीमों ने हिस्सा लिया। अनिरुद्ध यादव ने कबड्डी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। जलालाबाद के रहने वाले समाजसेवी केशव सिंह फौजी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। केशव सिंह फौजी के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि बीती रात हृदय गति रुकने के कारण केशव सिंह फौजी का निधन हो गया। केशव सिंह फौजी बेहद मिलनसार शख्सियत थे। वहां के नवापुर गंगा में आज भुर्जी महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के वकील और भाजपा भुर्जी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक दीन भुर्जी पहुंचे। इस दौरान नानक दीन भुर्जी ने समाज के लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में अवगत कराया। नानक दीन भुर्जी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों को एक नज़र से देखती है। भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। बैठक में बड़ी संख्या में भुर्जी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। जलालाबाद थाना क्षेत्र के राजपुर नगला गांव के प्रधान ने चुनावी रंजिश को लेकर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। ग्राम प्रधान ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधान का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोग उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं जो उनकी हत्या करवा सकते हैं।